हेलो स्टूडेंट्स ए वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन आई एम गुरविंदर कौर सीनियर फैकल्टी ऑफ अभिमन्यू आई एस एज यू ऑलरेडी नो कि नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है फॉर द पी पी एस सी एग्जामिनेशन इट मीन्स पंजाब पी सी एस के लिए सो सी स्टूडेंट्स अगर नोटिफिकेशन आ ही रही है तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर हो जाने चाहिए सी हेयर स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आई नो कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है फॉर पंजाब पी सी एस के लिए क्योंकि यू you नो know, ज्यादातर स्टेट में ऐसा ही है कि नोटिफिकेशन फिक्स नहीं है कभी भी नोटिफिकेशन बाहर आउट हो जाती है राइट right? आने को वो साल में दो बार भी आ सकती है आने को वो दो साल में भी आ सकती है आने को वो तीन साल में भी आती है किसी किसी स्टेट के अंदर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे फिक्स है जैसे कि हमारा गुजरात हो गया राइट right? हिमाचल प्रदेश हो गया वहाँ पे फिक्स है गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर देती है अपने कैलेंडर के अंदर कि हाँ जी इस टाइम पे हमारा जो है वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होगा अगर मैं बात करूँ पंजाब पी के अंदर तो वहाँ पर ऐसा कोई ट्रेंड है नहीं बट हाँ अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें तो हर दो साल के बाद जो है वो पीपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो लास्ट एग्जाम हमारा 2021 में हुआ था और अब जो है 2023 है तो नोटिफिकेशन कैन बी आउट एनी टाइम टू सी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन मैंने जो स्टूडेंट्स के अंदर जो एटीट्यूड देखा है या उनका जो यू नो एग्जाम को लेकर जो मैंने उनका एटीट्यूड देखा है वो ये देखा है कि जब तक नोटिफिकेशन आती नहीं ना वो अपना पढ़ना शुरू नहीं करते उसमें मेन तीन प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी पी पी एस सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जो एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो स्टेट पी सी एस के लिए पंजाब पी सी एस की बात करते हैं यहाँ पे तो आपको तीन चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ठीक है पहली चीज़ ये है स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम डेट इज़ नॉट फिक्सड एग्जाम डेट स्टूडेंट फिक्स नहीं है ठीक है तो क्या इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट करते रहना चाहिए कभी उस एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं करना चाहिए या प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए देन माय आंसर इज़ नो यू शुड गो फॉर द प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर कॉन्सेप्ट क्लियर योर बेसिक्स ठीक है ज्वाइन टेस्ट सीरीज ठीक है ज्वाइन ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सो दैट आप जो है आपके माइंड से जो आपके टेंशन है वो कम हो जाए कि भाई मेरा एग्जाम रेडी है ठीक है नोटिफिकेशन कभी भी आ जाए मेरे को टेंशन नहीं है उस बात का नोटिफिकेशन जब भी आएगी मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ ठीक है ये बात आपको आप अपने माइंड में बिल्कुल हंड्रेड परसेंट क्लियर रखनी चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करोगे स्टूडेंट्स तो होगा क्या जब एग्ज़ाम डेट आएगी नोटिफिकेशन बाहर आएगी उस टाइम पे पहले नंबर पे आपके ऊपर जो सबसे पहला आएगा वो आएगा प्रेशर सेकंड स्टूडेंट्स कई बार कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं उस टाइम पे कि आप उस एग्जाम में हंड्रेड परसेंट फोकस नहीं कर पाते ऐसा बहुत बार होता है बहुत कैंडिडेट के, के साथ होता है एंड टाइम पे कुछ घर में फैमिली प्रॉब्लम हो गया एंड टाइम पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया एंड टाइम पे कोई वर्किंग प्रोफेशनल का कोई चक्कर हो गया एंड टाइम पे आपकी कहीं पे ड्यूटी लग गई तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाए फिर स्टूडेंट आप ब्लेम करते हो अपनी किस्मत को कि यार लक ही नहीं था तीन साल से वेट कर रहा था या कर रही थी और इसी टाइम पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी इसलिए मैंने तो करा ही नहीं अरे नहीं आपका लक खराब नहीं आपने सही डिसीजन नहीं लिया टाइम पे अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखी होती है ना तो इतना बड़ा झंझट आना ही नहीं था आप पहले से प्रिपेयर होते अगर उस टाइम पे टाइम एंड टाइम पे नोटिफिकेशन के बाद अगर आपको टाइम ना मिलता या आप किसी भी कंडीशन की वजह से प्रिपेयर ना कर पाते गॉड नोस है ना वन नोस कि क्या होगा क्या नहीं होगा आप तो श्योर ही बैठे हो कि हाँ जी कुछ नहीं होगा बट ऐसा होता नहीं है है ना लग बहुत सारी चीजें काफी चीजें डिसाइड कर देता है पहले से प्री प्लान करके रखते हैं दैट्स स्टूडेंट्स एग्जाम डेट इज नॉट बट आपको माइंड में रखना चाहिए कि आपको अपनी पहले से प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए नेक्स्ट है नेवर वेट फॉर द नोटिफिकेशन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने डिस्कस किया नोटिफिकेशन की वेट करने के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को लेट मत कीजिए ठीक है डेट मत कीजिए अपना प्रिपरेशन करके रखिए बैच ज्वाइन कीजिए नोटिफिकेशन जब आएगी आ तो आप प्रिपेयर रहिए ठीक है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके अपनी एग्जाम को हंड्रेड परसेंट श्योर कर लो कि हाँ जी प्रीलिम्स तो मेरा कहीं जाने वाला है नहीं ठीक है फिर चाहे कितने भी कॉम्पिटिटर वहां बैठ जाए एग्जाम कैसा भी आ जाए टफ आ जाए जो मर्जी आ जाए मेरा तो क्लियर है ठीक है और ऐसा कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है स्टूडेंट्स जब आप बहुत पहले से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ऑलरेडी बैठे हो ठीक है नेक्स्ट है शेड्यूल सी स्टूडेंट जब लास्ट टाइम प्रीलिम्स में 2020 की बात करूं अगर मैं जब उस टाइम पे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था स्टूडेंट रिजल्ट के फिफ्टीन डेज बाद ही स्टूडेंट्स आपका मेन्स था रिजल्ट के फिफ्टीन डेज बाद ही आपका मेन्स था तो so सीयर देखो कितना कम टाइम मिले है ना तो दैट्स वाई स्टूडेंट अनप्रडिक्टेबल शेड्यूल है इसलिए आपका प्री मेन्म्स ऑलरेडी तैयार होना ही चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ के रख लिया मेन्स बाद में कर ले कर लेंगे या ऐसा सोच लिया नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको ठीक है अपनी दोनों जो आपके स्टेप्स हैं उनको आप रेडी करके रखो सो so दैट आपको इस बात की टेंशन ना रहे कि प्रीलिम्स के बाद मेरे को कितना टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है पहले से प्रिपरेशन होगी तो आपको क्या ही टेंशन है ठीक है स्टूडेंट्स ओके ठीक है सो दैट्स इट्स स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट ये करनी है कि हमारा जो बैच है फॉर पी पी एस सी के लिए वो हमारा फर्स्ट नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से यहाँ पे बैच स्टार्ट है स्टूडेंट्स यू कैन ज्वाइन एस फॉर यूर सक्सेस ठीक है राइट स्टूडेंट्स तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो गो फॉर गो ऑन टू दैट लिंक और फिर आप उसको ज्वाइन करके अपना बैच जो है वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू सो मच